कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी का सबसे बड़ा खुलासा करने आ रहा हूँ। क्या है ये खुलासा, आइए जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखिए, इस टॉपिक में मैंने बहुत से दिन से लगातार देखता हूँ, मैंने एक वीडियो इससे भी पहले भी बनाया था लेकिन उसमें मैंने फिर अपलोड नहीं किया, मुझे लगा शायद नहीं सही। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपसे बच्चों कुछ वास्तविकता कह सकते हैं कि यूट्यूब के बारे में मालूम होना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। क्या है देखिए सबसे बड़ी वैकेंसी, देखिए आपको भी मालूम होगा, मुझे भी मालूम है, आपके जो सीनियर है उनको मालूम होगा। तीन प्रकार के देखिए मोस्टली वैकेंसीज के बारे में आपको डिटेल किया जाता है, एक SSC, एक आपके पास रेलवे, एक आपको मालूम होगा बैंकिंग। तीन चीज के लिए देखिए किसी भी जनरल कॉम्पिटिशन में बच्चा कूदता है तो ये तीन एग्जाम होता है, बाकी आपके स्टेट एग्जाम में होते हैं, मालूम होगा आपके स्टेट एग्जाम जो चलते हैं। लेकिन कुछ हमारे यूट्यूब में देखिए कुछ कीड़े मौजूद है, ठीक है, जिनका सफाया करना भी देखिए जरूरी रहता है कभी कभी। वो बच्चों को देखिए बस बरगलाने काम करते हैं, ये फॉर्म भर दो वरना कोई चुपके से बताएगा, चुपके से कोई नहीं बताएगा, इस प्रकार का देखिए आप लोग देखते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे लगातार वीडियो फॉलो करते हैं, फॉर्म को अप्लाई करते हैं। भाई मैं सही बता रहा हूँ, वास्तविकता बता रहा हूँ, उसमें कभी किसी कुछ नहीं आता। आप खुद सोचिए, वो आदमी खुद ना करके दूसरों को बताएगा तो कुछ ऐसा वैकेंसी आएगा, तो आप खुद सोचिए अगर आप उसके जगह होते क्या आप बताते, नहीं आप खुद करते, क्या आप उनको खुद करने देते हैं कि दूसरा को बता देंगे तो वैकेंसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो याद रखिए इतना नहीं, देखिए SSC, रेलवे, बैंकिंग आपके स्टेट एग्जाम हो सकते हैं। कोई बोलता है कि भाई इस विभाग में इतना नौकरी, जो कैसे स्वास्थ्य विभाग में इतना नौकरी का आवेदन कर दो, आपको क्या लगता है, देखिए जो केंद्र सरकार वाला जो प्रोसेस होता है उसमें फिर भी चांसेस रहता है कि हाँ हो सकता है। जो स्टेट एग्जाम में जो होता है पशुपालन विभाग, ये विभाग, वो विभाग में ये वैकेंसी निकला, आप अप्लाई ही करते रह जाओ जिंदगी भर, कभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ना ही जो आपको GDS की जो पोस्ट कह सकते हैं जो इंडियन पोस्ट वाला वैकेंसी आता है उसमें बोला जाता अप्लाई करो, भाई उसमें कभी कुछ नहीं आता, ठीक है, बस हवाबाजी है। अब वो हवाबाजी को देखिए आप लोग फॉलो करते हैं, तो आपसे बच्चों निवेदन करूंगा कि जो भी देखिए इन लोगों को फॉलो करते, भाई फॉलो करना छोड़ दो। आप मुझे लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, आप अपना विचार देख सकते हैं, बाकी जैसा था मैंने आपको यहां समझाने की कोशिश की एक बड़े भाई के हिसाब से, बाकी आपको जैसा लगता है बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।